भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से दी मात। कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए शानदार 86 रन। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल। मोहम्मद शमी ने लिए 4 विकेट। बुमराह ने 3 को भेजा पवेलियन। केरल के कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर में धमाका। एक महिला की मौत। 52 लोग हुए घायल। डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने धमाके के लिए जिम्मेदारी कोड़ा करा। पुलिस स्टेशन में किया सरेंडर। डोमिनिक मार्टिन ने कहा, यहोवा साक्षी संगठन से ही मैं जुड़ा हूं। ये राज्य के लोगों को वैश्य का समूह बताते हैं, राज्य के खिलाफ करते हैं। कहा, मैनाए ने धमाके की जांच शुरू की। कन्वेंशन सेंटर में रुके लोगों के सामान को किया जब्त। ब्लास्ट पर बोले केरल के डीजीपी, शुरुआती जांच में आईडी ब्लास्ट के मिले सबूत। यहूदी परंपरा को मानने वाले यहोवा समुदाय ने इसराइल के समर्थन में बुलाई थी प्रार्थना सभा। धमाके की वजह से प्रस्ताव पास नहीं हुआ। ब्लास्ट की खबर के बाद दिल्ली से केरल लौटे सीएम विजयन। कल बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। होम मिनिस्टर अमित शाह ने केरल के सीएम से की बात। ब्लास्ट की जांच में मदद का दिलाया भरोसा। केरल में धमाके के बाद दिल्ली, यूपी, मुंबई समेत कई जगहों पर हाई अलर्ट। जगह जगह बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ाई गई। 2 नवंबर को है भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। दादर रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। पैसेंजर्स के सामान की जांच करते दिखे जवान। केरल ब्लास्ट पर बोले सांसद सुधांशु त्रिवेदी, मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर। कांग्रेस कर रही खतरनाक पॉलिटिक्स। केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन बोले, पुलिस की नाकामी से हुआ ब्लास्ट, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केरल में हुए धमाके की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने निंदा की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वसुंधरा राजे 4 नवंबर को झालरापाटन से करेंगी नॉमिनेशन। बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले महंगाई से त्रस्त जनता 5 राज्यों में बीजेपी को हराएगी। तेलंगाना के संगारेड्डी में बोले खड़गे, सोनिया गांधी की वजह से बना तेलंगाना। तेलंगाना कांग्रेस ने 6 गारंटियों का किया ऐलान। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए फ्री बस सेवा का वादा। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी बोले, प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो धर्म आधारित आरक्षण को खत्म करेंगे। एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे। तेलंगाना के जुबली हिल से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजरुद्दीन बोले, आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राजस्थान चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन। प्रदेश बीजेपी चीफ बोले, बाकी 76 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान। सीपी जोशी ने कहा, गहलोत सरकार ने युवा और किसानों के साथ धोखा किया। राजस्थान में महिलाएं सेफ नहीं। राजस्थान चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, 2/3 बहुमत से जीतेगी बनाएगी सरकार बीजेपी। राजस्थान चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। कल दोपहर में बुधनी से नॉमिनेशन करेंगे सीएम शिवराज। नामांकन के बाद सिवनी, मालवा और सुहागपुर में करेंगे जनसभा। एमपी के बुधनी में रोड शो के दौरान भावुक हुए सीएम शिवराज। लाडली लक्ष्मी ने गुल्लक फोड़ कर दिए पैसे। रेटी की जनसभा में फूल वाली बहन से मिले सीएम शिवराज। कहा, मना करने के बावजूद बहन ने अंगूठी पहनाई। प्रियंका गांधी पर सीएम शिवराज का पलटवार। बोले एमपी आकर उन्होंने सच स्वीकारा, कांग्रेस ने नहीं किया विकास। इंदौर की जनसभा में बोले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों में एमपी को बीमारू राज्य से निकाला। दिग्विजय सिंह की एमपी की जनता से अपील, बीजेपी के झांसे में न आए, कांग्रेस एकजुट है। दिग्विजय सिंह का आरोप, अमित शाह अधिकारियों को धमका रहे हैं, शिवराज बांट रहे हैं सरकारी पैसा। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की चुनाव आयोग से मांग, नोटा को किया जाए बंद, लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, हम सत्ता में होते हैं तो लोगों की करते हैं सेवा। रायपुर में जेपी नड्डा ने सीएम भूपेश बघेल को बताया घोटाला। मुख्यमंत्री कहा, खदान, रेत, रोजगार, हर जगह किया करप्शन। राहुल गांधी ने किसानों के साथ तस्वीरें शेयर की। कहा, भूपेश सरकार के किसान मॉडल को पूरे देश लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में राहुल गांधी की जनसभा। कहा, किसान मजदूर देश की रीढ़ है, इसलिए हम इनका कर्जा माफ करते हैं। राहुल गांधी बोले, अमीर लोगों के लिए या जनता के लिए काम करने वाली सरकार चुनना है, जनता तय करे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव बोले, प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है, बघेल सीएम की रेस में सबसे आगे। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। कांकेर में पीएम करेंगे विशाल रैली। मिजोरम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस यहां नहीं जीतेगी, बीजेपी अपने वादे को पूरा करेगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, हमारी सरकार को अस्थिर करने की हो रही है कोशिश। एसपी चीफ अखिलेश यादव कल निकालेंगे पीडीए साइकिल यात्रा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर पार्क तक जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सजा इंडिया टीवी का चुनाव मंच। सीएम भूपेश बघेल बोले, जनता का फिर मिलेगा आशीर्वाद। सीएम भूपेश बघेल का बयान, केंद्र सरकार पूरे देश में शराबबंदी करे, छत्तीसगढ़ में हम जाति जनगणना कराएंगे। चुनाव मंच पर बोले सीएम भूपेश बघेल, महादेव ऐप में बीजेपी के लोगों के साथ लेन देन हुआ, उद्योगपतियों की कर्ज माफी पर कोई सवाल पूछता नहीं। चुनाव मंच में छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ अरुण साव बोले, 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की हालत बदतर कर दी। अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने घोटाले करने के लिए योजनाएं बनाई। चुनाव मंच प्रोग्राम में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का दावा, 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत पक्की। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर बोले प्रमोद तिवारी, जिसकी जितनी ताकत उसको उतनी सीटें। चुनाव मंच प्रोग्राम में बोली कांग्रेस नेता रंजीत रंजन, बीजेपी की गलत नीतियों से जनता परेशान, जुमले बोलकर राज कर रही है बीजेपी। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा बोली, छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। चुनाव मंच में बोले बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, राहुल अलग अलग रूप बदलते हैं, काले कारनामे वाले को जेल में क्यों नहीं डालती कांग्रेस। इसराइल और हमास के बीच युद्ध का 23वां दिन। इसराइली हमले में 7,703 फिलिस्तीनी और हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इसराइलियों की मौत। नॉर्दर्न गाजा में इसराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को किया तबाह। लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला, इसराइली सेना ने हमले के फुटेज जारी किए। हमास ने इसराइल पर दागे रॉकेट, ऑफिशियली वीडियो रिलीज कर दी जानकारी।
हमास ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर दागे रॉकेट, कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, गाजा में युद्ध लंबा चलेगा, हवाई हमले को और तेज करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने इसराइल को दी धमकी, कहा इसराइल ने पार की रेड लाइन, उस पर कार्रवाई के लिए सभी तैयार है। तुर्की ने इसराइल पर निकाली भड़ास, कहा मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है इसराइल। फिलिस्तीन के रेड क्रॉस का बयान, एम्बुलेंस सर्विस के लिए फ्यूल खत्म, नागरिक को डोनेट फ्यूल पर हुआ डिपेंड। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन, येचुरी ने गाजा में इजरायली कार्रवाई रोकने की मांग की। वृंदा करात का आरोप, मानवता को भूली केंद्र सरकार, युद्ध का साथ देना गलत। बिहार के पूर्णिया में इसराइल हमास युद्ध को लेकर बवाल, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने पर दो लोगों की पिटाई। पूर्णिया के चंपानगर प्रशासन ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों ने एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर होंगे पीएम मोदी, मेहसाणा और केवड़िया में कई प्रोजेक्ट्स की रखेंगे आधारशिला। मन की बात के 106वें एपिसोड में बोले प्रधानमंत्री, हमारा सपना आत्मनिर्भर भारत। मोदी की जनता से अपील, वोकल फॉर लोकल से कारीगरों की दिवाली करें रोशन। भारत कजाकिस्तान के बीच कल से 7वीं काजिन ज्वाइंट एक्सरसाइज, आर्मी एयरफोर्स के 120 जवान लेंगे हिस्सा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का महुआ मोइत्रा से सवाल, बिना स्पीकर को बताया क्यों शेयर किया पासवर्ड। महुआ मोइत्रा विवाद पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, देश के खिलाफ काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के सीएम गहलोत के बेटे वैभव को ईडी ने सोमवार को पूछताछ के बुलाया, ईडी के सामने पेश हो सकते हैं वैभव। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर बड़ा फैसला, 1 नवंबर से दिल्ली में BS4 डीजल बसों पर रोक। बढ़ते वायु प्रदूषण से दिल्ली की जनता सरकार से नाराज, कहा प्रदूषण रोकने के लिए नहीं हो रहे प्रयास। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल की तस्वीर शेयर की, लिखा एक बंदा काफी है दिल्ली का दम घोटने के लिए। दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक डॉक्टरों का विरोध मार्च, हाउस टैक्स समेत कई मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के रेजिडेंट्स का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, बोले बिल्डर ने केवल पे बैक का दिया ऑप्शन। लखनऊ में बोले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, श्रीराम जन्मभूमि के लिए सिख समाज का बड़ा योगदान। मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का आज 5वां दिन, कहा सरकार बुलाए स्पेशल सेशन, मराठा आरक्षण पर फौरन करे फैसला। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण पर प्रदर्शन, उग्र भीड़ ने 2 बसें जलाई, कई बसों पर किया पथराव। मुंबई के घाटकोपर में मराठा आरक्षण के समर्थन में प्रोटेस्ट, मराठा क्रांति मोर्चा के संयोजक वीरेंद्र पवार भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस से मिले एनसीपी के नेता, मराठा आरक्षण को लेकर प्रदेश के हालात पर ज्ञापन सौंपा। जितेंद्र आवाड़ बोले मराठा आरक्षण पर हमने गवर्नर को केंद्र से बात करने की अपील की है। शिंदे गुट के शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने सांसद पद से दिया इस्तीफा, मराठा आरक्षण आंदोलन का किया समर्थन। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, इस साल 3 लाख से ज्यादा किए डेंगू टेस्ट। हरियाणा के यमुनानगर में पुजारी की हत्या, हनुमान मंदिर के अंदर मिला शव। अमृतसर के दाव के गांव के पास BSF का सर्च ऑपरेशन, चीन का बना ड्रोन बरामद। पंजाब के बटाला में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे स्टंटमैन सुखमनदीप सिंह की मौत, ट्रैक्टर के नीचे आने से दुखद हादसा। ग्वालियर में 467 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर अरेस्ट, ट्रक और स्कॉर्पियो जब्त। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल गोडाउन में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अहमदाबाद के बापूनगर में एक वेयर हाउस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के अवाड़ी में 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने 33 भारी मजदूरों को हिरासत में लिया। श्रीनगर की ईदगाह इलाके में आतंकियों ने इंस्पेक्टर मंसूर अहमद कुमारी गोली, हॉस्पिटल में इलाज जारी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, एक आतंकी को मार गिराया। हमास जैसे हमले से बचने का अभ्यास कर रहे हैं अमेरिका और दक्षिण कोरिया, युद्धाभ्यास में 5,400 सैनिक शामिल। और हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का निधन, फ्रेंड्स स्टार ने 54 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस।